हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेवन्थ का चैप्टर 8 दोहा अष्टक रीड कराने जा रही हूँ। तो इसके कवि हैं कबीर, तुलसीदास और रहीम। ठीक है, ऐसा क्यों? दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल हैं। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। तो प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। तो दोहा क्या है? दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इन छंद में कविताएं लिखी हैं और इनमें 3 कबीर के दोहे दिए गए। इस चैप्टर में क्या दिया गया है? 3 कबीर के दोहे हैं, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे दिए गए हैं। तो किस किस के हैं? 3 कबीरदास जी के दोहे हैं, 2 तुलसीदास जी के हैं और 3 रहीम के दोहे इस चैप्टर में दिए गए हैं। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। तो इसमें पहले मैं कबीरदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में और रहीम जी के बारे में थोड़ा उनके जीवन की जो घटनाएं हैं या उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है कबीर। कबीरदास जी के बारे में बता रही हूँ, ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। दूसरे हैं हमारे तुलसीदास जी। तो ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो तुलसीदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? रामचरितमानस। ओके, तीसरे हैं रहीम। तो ये मुसलमान हैं। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम है इनका पूरा नाम? अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब हम दोहे रीड करते हैं। तो पहला दोहा मैं रीड करती हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। तो ये किसका? कबीरदास जी का दोहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो इसमें किसके बारे में? खजूर के पेड़ की तुलना की गई है। किससे? इंसान से। इंसान की तुलना खजूर के पेड़ से की गई है कि खजूर का पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ। लेकिन वो पंथी मीन्स होता है राही, राही यानी यात्री, मुसाफिर। तो वो क्या करता है? यात्रियों को छाया नहीं देता और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगे होते हैं। तो ऐसे से क्या फ़ायदा? तो इसमें यही बताया गया है कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ता। तो जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा होने होता है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता, कोई भी उसमें यात्री या यानी कि मुसाफिर कोई भी वहाँ से गुजरता है तो उसको ना ही उसकी छाया मिलती है और ना ही उसके फल खाने को मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। चलिए सेकंड वाला दोहा रीड करती हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सारे सारे को गाही रहे, थोता दे ही उड़ाए, थोता दे ही उड़ाए। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए कि सूप के जैसा स्वभाव वाला, जिस प्रकार सूप क्या करता है, अपने जो अंदर जो सूप से हम क्या करते हैं, अनाज को ही साफ करते हैं, तो क्या करता है, अपने अंदर से सूप कचरे को बाहर निकाल देता है और उसमें क्या रहता है, सूप में अनाज रह जाता है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि साधु ऐसा होना चाहिए कि वह अपने गलत बातें अपने अंदर ना रखे और अच्छी बातों को
अपने अंदर ग्रहण करें और खराब बातें छोड़ दें। ओके, अब तीसरा वाला दोहा मैं रीड करती हूँ। माखी घोड़े में गड़ी रहे, पंख रहो लिपिटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए, लालच बुरी बलाए। तो इसमें कविता जी कहते हैं कि मक्खी क्या करती है, गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसके पंख गुड़ पर चिपक जाते हैं, ठीक है, और वह क्या करती है, उसी में फंस जाती है क्योंकि उसके पंख क्या होते हैं, गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितनी भी कोशिश करती है लेकिन वह वहाँ से छुटकारा उसे नहीं मिलता, तो वह क्या करती है, कितनी भी पछताए और हाथ मलती रह जाती है। तो हाथ मले और सिर धुने, फिर वो क्या करती है कि हाथ मलती रहती है और उसमें सिर धुनती रहती है, कैसे भी उसके पंख वहाँ से हट जाए। तो इसलिए कहते हैं लालच बहुत बुरी बला होती है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जितना है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, ये तीन कविता जी के दोहे थे। अब मैं आप लोगों को तुलसीदास जी के दोहे रीड कराती हूँ। तो ये तुलसीदास जी के दो दोहे हैं, ठीक है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाब संजोग, नदी नाब संजोग। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति मीन्स, भांति भांति मीन्स क्या होता है, तरह तरह के, ओके, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबके साथ, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नदी और नाव का संयोग होता है, तो नदी के पर नदी में नाव चलती है तो कभी क्या वो डूबोती है उसे नहीं, तो उसी तरह से जैसे उनका मिलन होता है उसी प्रकार हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए दूसरा तुलसीदास जी का दोहा रीड करती हूँ। तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुड़ ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए, लोहा भस्म हो जाए। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, हाय यानी कभी भी हमें गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गरीब की हाय कभी भी, बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। कबू मीन्स क्या होता है, कभी भी, कबू मीन्स कब, कभी भी, और हाय मीन्स यानी बद्दुआ, कभी भी खाली नहीं जाती। जिस प्रकार मरे हुए जानवर की चमड़े से बनी हुई धोकनी से लोहा राख हो जाता है, क्या होता है, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी हुई धोकनी होती है तो उससे क्या होता है, लोहा राख हो जाता है। तो इसी प्रकार कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस क्या क्या होगा इसमें, जीवित जो गरीब जो व्यक्ति है तो उसकी हाय कभी भी निष्फल नहीं जाती। ओके, अब चलिए आगे रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं और उसका अर्थ मैं समझाती हूँ। तो इसमें है, रही मन धागा प्रेमिका मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को, यानी कभी भी धागे को झटके से मत तोड़ो। तो यह धागा जब एक बार टूट जाता है, टूटने पर वो क्या जुड़ता है, एक जैसा हो जाता है, पहले ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें फिर गांठ पड़ जाती है और गांठ पड़ने के बाद वो कभी भी वहीं से टूट सकता है। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हमारा प्रेम का धागा, हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम का धागा टूटे नहीं, और प्रेम का धागा अगर किसी के मन में कोई गांठ पड़ गई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर किसी के मन में, किसी के लिए मन में कोई बात बैठ गई तो कितना भी कोशिश करेंगे फिर उसके मन से वह बात नहीं निकलती, और क्या होता है, वो प्रेम में गांठ पड़ जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती, ठीक है। चलिए आगे मैं दूसरा दोहा रीड करती हूँ, 7 नंबर का।
तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पानी। तो सरोवर यहाँ पर सरोवर दिया गया है, सरोवर तालाब, ठीक है। तरुवर मीन्स होता है पेड़, तरुवर मीन्स क्या होता है पेड़, ठीक है। नहीं मीन्स नहीं खाते यानी खाते हैं, सरोवर मीन्स होता है सरोवर, पिए यानी मीन्स होता है पीना, पानी मीन्स पानी, ओके। तो तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पानी, कहे रहीम परिकाज हित, संपत्ति सचई सुजानी, संपत्ति सचई सुजानी। तो यहाँ पर परकाज यानी परकाज मीन्स होता है दूसरों का, दूसरों का हित यानी अच्छा करना, संपत्ति मीन्स होता है धन, सचई यानी संचय, संचय मीन्स होता है संभाल कर रखना, ठीक है, संचय मीन्स संभाल कर रखना, ओके। और सुजानी, सुजानी मीन्स होता है कि उसको संग्रह करना, इकट्ठा करना, ठीक है, संपत्ति को इकट्ठा करना। तो इसमें तरुवर फल नहीं खाते हैं, क्या कभी पेड़ अपने फल खाते हैं, नहीं खाते। क्या कभी सरोवर या नदी अपना पानी पीते हैं, नहीं खाते। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हमें इसी तरह सज्जन यानी जो अच्छे लोग हैं दूसरों का, तो सज्जन पुरुष क्या करते हैं, अच्छे लोग क्या करते हैं, दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं, यानी संपत्ति दूसरों के काम के लिए इकट्ठे करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का दोहा, रही मन देखी बड़े ने को लघु न दीजिए डार। तो इसमें बताया गया रही मन देख बड़े न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आबे सुई कहा करे तलीवार, कहा करे तलीवार। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें कभी भी बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा मीन्स उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। लघु मीन्स क्या होता है, देखी यानी देखकर, बड़े यानी बड़ों को, लघु मीन्स होता है छोटा, डारी, डारी मीन्स क्या होता है छोड़ना, ठीक है, उनको त्यागना नहीं चाहिए। तो जहाँ काम आबे सुई, तलवारी यानी तलवार और सुई जो सुई होती है, तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बड़े लोगों को देखकर जो छोटे या कम पैसे वाले होते हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पर तलवार काम नहीं आती और वहीं पर सुई काम अपना काम कर जाती है, तो इसलिए कहा गया है जहाँ सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कबीरदास जी के दोहे का अर्थ बता दिया, तुलसीदास जी के दोहे का अर्थ एंड रहीम जी के दोहे का अर्थ आप लोग को समझाया है। चलिए अब मैं आप लोग को ये शब्दार्थ बताती हूँ। पंथी मीन्स मैंने बताया था यात्री, सूप यानी अनाज पटकने का एक छाछ यानी सूप होता है जिससे अनाज साफ किया जाता है। सार मीन्स होता है सारांश, निष्कर्ष, थोथा यानी निकम्मा, कचरा। बलाई मीन्स होता है आपत्ति, भांति भांति यानी तरह तरह के, अलग अलग। हाय मीन्स मैंने बताया था बद्दुआ। भस्म यानी होती है राख। चटकाए यानी शीघ्र तुरंत। तरुवर मीन्स होता है पेड़। सरोवर यानी सरोवर होता है संचय यानी संग्रह करना। सुजानी यानी चतुर, ओके। बड़ेन मीन्स होता है बड़ा। तलवारी यानी तलवार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अर्थ देख लिया जा। अब इसमें 2 मुहावरे दिए गए हैं, तो मुहावरे का अर्थ देखिए, हिल मिल चलना यानी किसी को सहयोग करना, उसकी सहायता करना। लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज का भी नाश होना, नष्ट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में दिया गया है बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को उनकी मनोवृत्ति यानी उनकी सोच कैसी होती है, वो दूसरों को कोई लाभ नहीं देते, वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरों से उनको उनके द्वारा कोई लाभ नहीं होता। सेकंड वाला है साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों।
तो साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, मैंने बताया था सूप जैसे स्वभाव वाला, सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप क्या करता है, अनाज को जब साफ करता है तो अनाज में से सारा कचरा निकाल कर जो थोता होता है वो क्या होता है, कचरा निकाल कर बाहर कर देता है और सारा अनाज साफ कर देता है, ठीक है। और तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3 है, तुलसीदास सबसे ही मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि तुलसीदास इसीलिए कहते हैं क्योंकि उससे हमें क्या होता है, जब मिल मिल कर रहते हैं तो हमें सुख शांति प्राप्त होती है, ठीक है। और फोर्थ नंबर दिया गया है इसमें, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को देखना है कि आप किस तरह से गरीब लोगों की मदद कर सकते हो। अब ये 5 नंबर दिया गया है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं। सज्जन लोग कौन होते हैं, अच्छे लोग, तो अच्छे लोग क्या करते हैं, अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की मदद करके, जिसको ज़रूरत होती है उसकी मदद करके अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही अर्थ, सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विलोम शब्द आदर, आदर का हम क्या करेंगे, अनादर। स्वकाज का क्या होगा, परकाज। बुरा का क्या होगा, अच्छा। परकाज का इसी में से बन गया, तो हमें क्या करना है, इसी में से सारा ढूंढना है। तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ फर्स्ट वाला करूँगी उसी का आंसर पे मैं उसके बाद ही अंडरलाइन करूँगी, ओके। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, फर्स्ट है हमारा आदर, आदर का हमारा ढूंढिए कहाँ पर है, ये रहा अनादर, तो ये इसका ब्लॉक शब्द हो गया स्वकाज। सेकेंड है स्वकाज, स्वकाज का आंसर होगा परकाज, ओके। बुरा, बुरा का आंसर क्या होगा, बुरा का होगा अच्छा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट रहा प्रेम, प्रेम का हम क्या करेंगे, प्रेम का होगा नफरत, ठीक है। नज़दीक, नज़दीक का क्या होगा, दूर, तो दूर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मृत, मृत का क्या होता है, जीवित, ओके। अब नेक्स्ट रह गया छोटा, छोटा का क्या होगा, बड़ा, और असत्य का सत्य, ठीक है। इसी तरह से सारे विलोम शब्द इसी में उसके अर्थ मिल गए, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, फिर इन दोनों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ये दिया गया सत्य, गांधी जी सत्य बोलते थे, और सेकंड असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से फर्स्ट का आदर, आदर का मैं बोलती हूँ हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो सेकंड हम क्या करेंगे इसका अनादर का, हमें छोटों का भी अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सभी का आप क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। थर्ड वाला रहने दीजिए आप, फोर्थ वाला है निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो जिस तरह से मैंने दोहों का भावार्थ आप लोगों को बताया था, तो इसमें वही दोहों का भावार्थ आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब हमारा आता है स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साधु कैसा होना चाहिए, तो इसमें आंसर लिखोगे आप साधु सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, लालच से हमारा क्या होता है, हमें ही नुकसान होता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी चीज़ होती है। 3 नंबर है तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था हिल मिलकर रहने से हमारा क्या होता है, हमें सुख और शांति प्राप्त होती है। 4 नंबर है गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है, गरीब की हाय के लिए उदाहरण दिया गया है कि गरीब की हाय का एक इसमें ये उदाहरण दिया गया है, ये देखिए आप, ये मैं आप लोग बताती हूँ, ये रहा तुलसी हाय गरीब की कबहु न खा ली जाए, मुड ढोर के चार्म से लोहा भस्म हो जाए। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें क्या करनी चाहिए, इसमें क्या बताया गया था कि आप लोगों को भी बताती हूँ मैं,
तो इसमें फोर नंबर में है गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। गरीब की हाय के लिए उदाहरण दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जिस प्रकार लोहा भस्म हो जाता है किससे, चमड़े की, उससे जो उससे क्या होता है, हल्की सी चीज़ से भी लोहा भस्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फाइव नंबर में बताया गया है रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं। तो रहीम जी प्रेम का धागा तोड़ने के लिए इसीलिए मना करते हैं क्योंकि अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर गांठ पड़ जाती है, और जब गांठ पड़ जाती है तो वह फिर क्या होता है, पहले जैसा संबंध नहीं रहता, और जब गांठ पड़ जाती है तो वो पहले जैसी बात उसमें नहीं रहती संबंध में, और पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। ठीक है, अब ये भाषा सज्जता दी गई है, इसमें दिया गया नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें नंबर वन में दिया गया वह है कौन जा रहा है, तो जो अंडरलाइन किए गए हैं इसमें सेकंड वाले में पहला इनाम किसे मिला, तो ये सब क्या है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इसकी परिभाषा दी गई किसकी, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, किस, क्या, किसने, ये सब क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब ये आगे देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसा वैसा, जो वह, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। नंबर थ्री में दिए गए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें बताया गया उपयुक्त वाक्यों में जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी, परस्पर एक दूसरे से क्या है, संबंधित शब्द है, तो एक जैसे लग रहे हैं देखने में, जैसा वैसा तो एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसकी परिभाषा दी गई है वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिसका एक शब्दों का एक दूसरे से संबंध होता है, बोलने में सेम लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया वह कौन आ रहा है, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा। फोर में है आज का इनाम किसे मिलेगा। फाइव में है जिसकी मेहनत उसकी सफलता। सिक्स में है आप क्या ढूंढ रहे हैं। सेवन में है किसने कहा आज मेहमान आएंगे। तो हमें क्या करना है, नीचे जो दिया गया है प्रश्नवाचक को अलग करना है ढूंढकर, संबंधवाचक को अलग करके यहाँ पर लिखना है। तो इसमें मैं यही बता देती हूँ आपका, सेवन नंबर में जैसे दिया है किसने, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, जिसकी और उसकी, ये संबंधवाचक है। फोर नंबर में दिया है किसे, ये भी प्रश्नवाचक है, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो और जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हो तो प्रश्नवाचक है, और जिस शब्द में एक जैसे शब्द पढ़ने में हमें शब्द एक जैसे लगते हों तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।